तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एडलवाइस के स्टॉक के बारे में। एडलवाइस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 11.88% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट अगेन देखने को मिली है। साथ ही आज की इस गिरावट के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में एक ब्रेकडाउन भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर 71.60 के लेवल पर स्टॉक में सपोर्ट था जिसको आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 64.95 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 62.35 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 57.95 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 71.60 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 80 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 87 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको स्टॉक में 92 देन यहाँ से हमको स्टॉक है 100 और 110-120 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।